तो हम मेष लगन की कुंडली में विभिन्न भावों में शनि और चंद्रमा की युति के बारे में बात कर रहे थे। इस वीडियो में देखेंगे अगर आपके शनि और चंद्रमा की युति मेष लगन की कुंडली में 11वें भाव में बन रही हो तो आपको इस युति को किस प्रकार से देखना चाहिए और इस युति का किस प्रकार का प्रभाव आपको आपकी लाइफ में हमेशा के लिए देखने को मिलेगा। शनि और चंद्रमा यहाँ स्थित हैं तो ये आपका लाभ स्थान है। लाभ स्थान होने की वजह से अब आप अपने धन या आप अपना कोई भी बिजनेस करेंगे या पैसे के प्रति बहुत ज़्यादा अनुशासित होंगे और डेडिकेटेड होंगे। इससे आप अपना पैसा सही जगह उपयोग कर सकेंगे और आप परफेक्टली लाभ कमा सकेंगे। लेकिन कभी भी आप लालच नहीं करेंगे, आप पूरा पूरा रेस्पॉन्सिबल होकर काम करेंगे। इसके अलावा कहीं ना कहीं अब आपको आपके प्रोफेशन से या आपके कैरियर से बहुत ज़्यादा गेन होने की संभावना है क्योंकि शनि आपके 10th लॉर्ड है। 10th लॉर्ड होने की वजह से निश्चित रूप से आपका जो भी जॉब होगा या जो भी प्रोफेशन होगा उससे आपको एक अच्छी पॉपुलैरिटी मिलना और उससे बहुत ज़्यादा गेन होने की संभावना बनेगी। इसके साथ साथ चंद्रमा 4th लॉर्ड है। चंद्रमा 4th लॉर्ड होने की वजह से आपके धन में, आपकी संपत्ति में कहीं ना कहीं माता जी का योगदान बहुत ज़्यादा अहम हो सकता है या धन को लेकर जो आपकी सोच है या प्रॉपर्टी को लेकर जो आपकी जिस प्रकार की थिंकिंग है उसको लेकर आपके माता जी का कहीं ना कहीं आपके ऊपर इम्पैक्ट अवश्य रहेगा। शनि चंद्रमा की युति की वजह से आप हमेशा अपने धन संपत्ति को लेकर चिंतित रहेंगे और उसी पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे। अब चंद्रमा एक बहुत ही केयरिंग प्लैनेट है। केयरिंग प्लैनेट होने की वजह से निश्चित ही यहाँ शनि के साथ जब चंद्रमा स्थित होंगे तो चंद्रमा शनि के बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं होने चाहिए। शनि यहाँ जितना ज़्यादा चंद्रमा के क्लोज होगा उतना ही ज़्यादा आपको मेंटल रूप से टेंशन देगा, एंजाइटी देगा, धन वगैरह को लेकर, पैसे को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर या अपने दूसरे लोगों के साथ रिलेशनशिप को लेकर। लेकिन चंद्रमा यहाँ पर कितना ज़्यादा स्ट्रांग है और शनि यहाँ कितना ज़्यादा स्ट्रांग है ये आपको देखना पड़ेगा क्योंकि शनि ऑलमोस्ट यहाँ पे क्योंकि अपने मूल त्रिकोण राशि में ही है तो शनि ज़्यादा स्ट्रांग होंगे ही होंगे। लेकिन चंद्रमा केयरिंग नेचर को दर्शाते हैं और वो ये दिखाते हैं कि आप अपने रिलेशनशिप की बहुत ज़्यादा केयर करते हुए नज़र आएंगे इस स्थिति की वजह से। तो ऐसा हो सकता है कि आपके जिन भी लोगों के साथ अच्छे रिलेशंस हैं आप उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हुए नज़र आ सकते हैं। आप इमोशनली भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे या कोई अच्छी गाइडेंस देंगे या धन के मामले में आप उनको सपोर्ट करेंगे। शनि चंद्र की ये स्थिति वास्तव में आपकी मेंटलिटी को भी काफ़ी ज़्यादा सीरियस बनाती है और आपको सही डिसीजन लेने के लिए प्रेरित करती है। लाइफ में आपको धन संपत्ति के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाती है। चंद्रमा यहाँ जितना अधिक शनि के क्लोज होगा उतना कभी कभी आपको डिसीजन लेने में परेशानी भी होगी और थोड़ा सा डिले भी होगा। अगर यहाँ शनि वक्री स्थिति में हो कुंभ राशि में तो आपके लिए ये और भी ज़्यादा फेवरेबल होगा कहीं ना कहीं। अब यहाँ चंद्रमा होने की वजह से अक्सर आप किसी को भी किसी भी प्रकार की हेल्प अगर करेंगे, चाहे धन के मामले में करें चाहे किसी भी मामले में करें, आपको उस प्रकार का रिटर्न वापस से नहीं मिलेगा। यानी मान लीजिए आपने किसी को अगर पैसे उधार दे दिए हैं और बाद में आप उससे वापस मांगेंगे तो आपका पैसा आपके हाथ में वापस नहीं लौटेगा। तो ये आपको सबसे बड़ा यहाँ दिक्कत आएगा। इसके अलावा आप हमेशा अपने हर रिश्ते की कीमत समझेंगे और हर रिश्ते को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे। कहीं ना कहीं आप हर व्यक्ति को मोटिवेट करेंगे और अपनी लाइफ में उसकी अहमियत को समझेंगे। चंद्रमा 4th लॉर्ड होने की वजह से अब घर परिवार की जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है उनको भी आप बहुत ही अच्छे से निभाने वाले होंगे और प्रोफेशनली जो भी आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनको भी आप बहुत अच्छे से निभाने वाले होंगे। यहाँ पे अब इनकी हम अगर दृष्टियों की बात करें तो शनि आपके लगन को सबसे पहले एस्पेक्ट करेंगे तीसरी दृष्टि से। लगन पर शनि की दृष्टि है तो ये थोड़ा सा आपको ज़्यादा मेहनती बनाएगा, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाएगा और आत्मनिर्भर भी बनाएगा। आपको आपकी फैमिली का सपोर्ट या किसी भी अन्य व्यक्ति का सपोर्ट ना भी हो तो भी आप बहुत ही अच्छे से काम कर सकते हैं बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होके। शनि की ये स्थिति दिखाती है कि वास्तव में आपकी मेंटलिटी कैसी है लोगों के प्रति और लोगों के साथ आपके जो कनेक्शंस हैं उनको लेके आप कैसा सोचते हैं। वास्तव में ऐसा शनि आपको बहुत ज़्यादा धन दे सकता है लेकिन आपकी लाइफ में हमेशा धनागमन स्लो रहेगा। लेकिन एक अच्छी स्थिति आपकी देखने को मिलेगी, आपके पास किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी, आप मेहनत बहुत ज़्यादा करेंगे धन कमाने के लिए। तो ऐसे में ये हो सकता है शनि अगर यहाँ वक्री नहीं है तो आपको लगभग 36 के एज के बाद लगभग ये देखा गया है कि ज़्यादा धन मिल सकता है या 37 के एज के बाद आपके लाइफ में आप ऐसे मुकाम पे होंगे जहाँ आप बहुत अच्छे अर्निंग्स कर रहे होंगे।
शनि की ये स्थिति अब वास्तव में आपको फोर्थ हाउस के प्रति भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाती है। तो शनि की तीसरी दृष्टि जब आपके लगन पर पड़ रही है, ऐसे में कभी कभी आप खुद बहुत ज़्यादा आलस से फील कर सकते हैं, कभी कभी बॉडी में एनर्जी की कमी फील कर सकते हैं। और ये समझ लीजिए कि आपको किसी भी व्यक्ति से, चाहे वो आपके घर परिवार का हो चाहे कोई अन्य व्यक्ति हो, कोई भी अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। किसी भी प्रकार के लाइफ में बहुत सडन गेन की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। अब यहाँ शनि और चंद्रमा की स्थिति है तो वास्तव में आप हर किसी के प्रति जवाबदेह होंगे, अपने रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा सहेजने की कोशिश करेंगे। भले ही आपका रिलेशनशिप अपनी संतान के साथ है, जीवन साथी के साथ है या किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ है, इसके अलावा आपके नेटवर्क की भूमिका या आपके जो आपका सोशल सर्किल है उसकी भूमिका आपके जीवन में बहुत बड़ी हो सकती है। इसके बाद शनि का दृष्टि पड़ेगा आपके फिफ्थ हाउस पे, जहाँ चंद्रमा भी आपके फिफ्थ हाउस को एस्पेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे अब आपके सूर्य की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य बहुत पावरफुल है तो आपको सही डिसीजन लेने में सही समय पे मदद मिल सकेगी। लेकिन यहाँ शनि की दृष्टि होने की वजह से अगर सूर्य आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपकी पूर्ण रूप से क्षमता आप समझ नहीं सकेंगे या उसका सही उपयोग नहीं कर सकेंगे या सही समय पर डिसीजन नहीं ले सकेंगे। अब थोड़ा सा यहाँ पर ओवर थिंकिंग का चांसेस बनेगा अगर चंद्रमा शनि के बहुत ज़्यादा क्लोज हो और आपकी कुंडली में फिफ्थ हाउस में कोई भी अन्य ग्रह स्थित नहीं हो। अगर बृहस्पति जैसा ग्रह स्थित है या बुध जैसा ग्रह आपके फिफ्थ हाउस में स्थित है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति रहेगी। इससे आप अपने प्रत्येक रिश्ते की और अपने प्रत्येक डिसीजन की वैल्यू समझ सकेंगे और अपने काम की जो वैल्यू है आपके और समय की जो वैल्यू है उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ सकेंगे। इससे अगर बुध पांचवें भाव में हुए या बृहस्पति पांचवें भाव में हुए तो आपको सही डिसीजन लेने और सही सोचने में अवश्य मदद मिलेगी और आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करने में भी मदद मिलेगी। क्योंकि शनि की जो दृष्टि पड़ रही है आपके फिफ्थ हाउस पर, वो कहीं ना कहीं उस प्लैनेट विशेष का जो कारकत्व है उसको भी काफ़ी ज़्यादा सीरियसली बढ़ाएंगे। अब शनि का जो यहाँ फिफ्थ हाउस पे दृष्टि है उसके वजह से कभी कभी संतान से नाखुश हो सकते हैं आप, कभी कभी अपनी लाइफ में आप अपने लव अफेयर्स को लेके नाखुश हो सकते हैं, ये आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। फिर शनि का यहाँ से दृष्टि पड़ेगा आपके आठवें भाव पे। आठवें भाव पे जब शनि की दृष्टि पड़ रही है तो ऐसे में लाइफ में बहुत बड़ा चेंज कोई एक्सपेक्ट ना करें आप। इसके अलावा आपको जो भी करना है अपनी खुद की मेहनत से करना पड़ेगा, अपने खुद के प्रयासों से करना पड़ेगा। अगर आपको जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा आत्मनिर्भरता चाहिए तो आपको काफ़ी वेट करना पड़ेगा। तो आठवें भाव के थ्रू जो जो आपको गेन हो सकते हैं माता पिता के थ्रू और आपको आपके किसी इन्वेस्टमेंट की वजह से या आपके किसी ऐसे डिसीजन की वजह से जहाँ पर आपको थोड़े बहुत स्पेकुलेटिव गेन होने की संभावना फिर भी बन सकती है, क्योंकि शनि यहाँ पे अपने मूल त्रिकोण राशि में और कुंभ का जो शनि होता है बहुत ज़्यादा अच्छा होता है कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस वजह से थोड़ा बहुत आपको गेन जरूर हो सकता है। इसके अलावा अपने इनलॉज के साथ अपने रिलेशंस को लेकर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो सकते हैं कभी कभी, या फिर आप उनसे कुछ ज़्यादा अपेक्षाएं रखेंगे, तो ये इस कंजक्शन का आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। अब आपके 11वें भाव में इनके साथ कोई भी अन्य ग्रह स्थित है, 5वें भाव में कोई भी अन्य ग्रह स्थित है, तो उसका प्रभाव भी इन दोनों ही ग्रहों पर पड़ेगा। इसलिए आपको वो सब अपने चार्ट में चेक कर लेना चाहिए।